भागलपुर की पुलिस जिला नवगछिया के दियारा इलाके में आतंक फैलाने वाले 25,000 के इनामी अपराधी शबनम यादव और उसके दो सहयोगी को भारी मात्रा में हथियार के साथ एसटीएफ और नवगछिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर धर दबोचा। नवगछिया में नव पदस्थापित एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात शबनम यादव और उनके सहयोगी के साथ बीहपुर के गोरैया दियारा में छुपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से समूचे दियारा क्षेत्र में घेराबंदी कर एक ठिकाने पर से कुख्यात को धर दबोचा गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उसके दो सहयोगी अपराधी वकील यादव और सरवन यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि भवानीपुर का रहने वाला कुख्यात शबनम यादव की गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और जिला पुलिस काफी दिनों से नजर रखे हुए थे। पकड़ा गया कुख्यात शबनम यादव नवगछिया खगड़िया एवं मधेपुरा जिला के दियारा क्षेत्रों के आतंक मचाया हुआ था और उक्त जिलों के विभिन्न थानों में लूट अपहरण हत्या आदि के 2 दर्जन से अधिक मामले उस पर दर्ज है। उन्होंने बताया कि उसकी गिरफ्तारी से तीनों जिलों दियारा क्षेत्र में अब आम लोगों को राहत मिलेगी। इधर एसटीएफ और पुलिस उससे कई पूछताछ कर रही है। पावर्ड बाय मंजी किचन इंडिया बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट अ कंप्लीट इवेंट प्लानर अपराधी रहे हैं, लगभग 7 कांडों में चार्जशीटेड है, बाकी 6 कांडों में फरार चल रहे थे, इसमें सभी कांडों में रिमांड किया जाए। शबनम जो है खास तौर से कोसी दियारा में किसानों की जमीन को कब्जे लिया करता था, कितना कब्जा किया? इसके अलावा केवल ये जमीन कब्जा ही नहीं, इसका मुख्य धंधा वहाँ पर था जो जानवर चलाने जाते थे उससे रंगदारी लेना, जो मछली का जलकर होता है उससे रंगदारी लेना, जिसका जमीन सपोज कीजिए जो कमजोर आदमी है खेती वहाँ नहीं कर पाता, मन माने दर पे उसे बटाई के लिए मजबूर करना, इस प्रकार पूछताछ से जब जानकारी मिली लगभग 125 एकड़ जमीन ये अपने कब्जे में रखा है जिसको ये जोतता है, और जो कमजोर किसान है जो जा नहीं पाते हैं उसे मनमाने दर पे बटाई फिक्स करता है। अपराध के दुनिया में कब से था ये सर? अपराध लगभग 2007 से इस दुनिया में है, और हम लोग पता भी कर रहे हैं कि अपराध के माध्यम से कितना संपत्ति बनाया है ताकि उसे जब्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। उन जमीनों का क्या सर जिन पे की इनका कब्जा है? अब वो पता करने की बात है, जो जमीन के मालिक है वो सामने आएंगे, ये हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कौन है 200 एकड़ में जमीन किसका। वो आदमी हमारे सामने आएंगे, थोड़ा सत्यापन करेंगे, जाँच करेंगे और तो कार्रवाई करेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको? आप खुद कह सकते हैं कि 25,000 का इनामी था, फरार चल रहा था, लगभग 10 साल से फरार चल रहा था, और हम लोग उसको गिरफ्तार करने नहीं, इसके पहले भी जेल जा चुके हैं, 2-3 कानून पहले भी जेल जा चुके हैं, उसके बाद से फरार चल रहे हैं। शबनम यादव को सर पकड़ने में सबसे ज्यादा भूमिका किस थाने की रही है? नवगछिया पुलिस और एसटीएफ की भूमिका सामने, इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं होती है, ये टीम वर्क होती है, ये नवगछिया पुलिस और एसटीएफ, उसके अलावा हमारे जो सीनियर्स हैं चाहे पुलिस मुख्यालय के चाहे हमारे डीआईजी सर का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है, वो बार बार हमारे ज्वाइन करने के साथ ही उनका निर्देश था। ऐसे ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए, पनोरमा परिवार।